इलनी भी दुर्गेश के लिए एक छोटी सी पहल हम आप मिलकर करते हैं। जिन लोगों ने सरकारी शिक्षक बनने के लिए इलनी भी दुर्गेश के नोट्स प्राप्त किए हैं, उस नोट्स का फीडबैक इलनी भी दुर्गेश तक पहुँचा है, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि इलनी भी दुर्गेश के नोट्स वास्तव में कैसे हैं। जैसे हम इलनी भी दुर्गेश पे गेस्ट के रूप में आकर पढ़ाते हैं अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में, वैसे आपकी भी जो वीडियो है वो इलनी भी दुर्गेश के चैनल पर भी पड़ जाएगी, ताकि आप भी देख पाएं और आपका परिवार भी देख पाए और अन्य लोग भी देख पाएं कि आखिर इलनी भी दुर्गेश के नोट्स में ऐसा क्या है। हर सरकारी शिक्षक बनने वाला इलनी भी दुर्गेश के नोट्स का दीवाना क्यों है? जी हाँ, क्योंकि सबका एक मूल मंत्र है सिलेक्शन, और इस तरह से चीजें पारदर्शी और अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंच पाएंगी और हम आप वास्तविकता ये जान पाएंगे कि आखिर सरकारी शिक्षक बनने का जो रास्ता है इलनी भी दुर्गेश होकर क्यों जाता है। जिस तरह मैं गेस्ट के रूप में इलनी भी दुर्गेश पे पढ़ा रहा हूँ, उस तरह आपकी भी वीडियो गेस्ट के रूप में इलनी भी दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे, ताकि आप भी अपने परिवार अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके एक सरकारी शिक्षक बनकर। मेहनत करते रहिए, अपना बेहतर देते रहिए। एक छोटी सी पहल है, अगर आपने इलनी भी दुर्गेश के नोट्स मंगा ली हैं तो कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स रखिए और नोट्स के बारे में लोगों को बताइए। कोशिश ये करिएगा कि 50 सेकंड तक हो, क्योंकि सौरभ सर कितने सेकंड का आप डालेंगे, 50 सेकंड का वीडियो हो, नोट्स आप दिखा दीजिए और अपना आप चेहरा भी दिखाना चाहते हो जरूर चेहरा भी दिखा दीजिए कि मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर जनपद से हूँ, मैंने इलनी भी दुर्गेश के नोट्स मंगाए, नोट्स ऐसे हैं। जो सही हो, जो चीज़ें सही हो, नोट्स अच्छे हों तो अच्छे बताइएगा, कुछ कमी रहे उसको कमी बताइएगा, क्या इसमें सुधार किया जाए और कितना बेहतर है, कौन कौन से विषय के नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है। इन सभी का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा और आपकी वीडियो प्रतिदिन एक एक लोग के करके इलनी भी दुर्गेश पर पोस्ट होंगी। चाहे तो आप इंस्टाग्राम के इलनी भी दुर्गेश पर भेज सकते हैं, चाहे तो आप इलनी भी दुर्गेश के फेसबुक पेज पर, चाहे elearningwithdurgesh@gmail.com ईमेल आईडी पर, या दिए गए नंबर जो है इलनी भी दुर्गेश के जो ऑफिस के नंबर है ऑफिस वाले मंगा लेते हैं, इलनी भी दुर्गेश के ऑफिस वाले पे आप लोग मंगा भेज दीजिएगा, वहां से वो लोग ले लेंगे। और जैसे मेरी वीडियो जाते हैं वैसे आपके भी वीडियो आएंगे, क्योंकि इलनी भी दुर्गेश का चैनल आप सभी के लिए है। और आप सभी पढ़ें, बेहतर करें, अपने माँ बाप का रोशन नाम करें और खुद एक सरकारी शिक्षक बने, एक अध्यापक अध्यापिका बने और ऐसे स्कूलों में जाएं पढ़ाने, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्कूल है, वैसे ही मैं आप लोग पढ़ाने जाएं, अध्यापक अध्यापिका हों और इन बच्चों को भी इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएं ये लोग हमसे भी ऊंचाई पर जा सके। और हम भी लगातार शिक्षा विभाग में बच्चों के लिए नौनिहालों के लिए अपना बेस्ट और बेहतर देते हैं, और जो समय बच जाता है वो आपके लिए हम बेहतर करते हैं। तो आपकी भी छोटी सी जिम्मेदारी बनती है लोगों तक चीज़ों को पहुँचाना, ताकि लोग ये जान सके कि आखिर नोट्स में क्या क्या है। कोशिश ये करिएगा हर नोट्स के बारे में बताने का, अगर आप बड़ा वीडियो बना के देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिएगा 50 सेकंड का वीडियो है, 50 सेकंड वीडियो रहने पे ही होता है कि जो YouTube में शॉर्ट होता है उसमें आपका आ जाएगा पूरे फ्रेम में। तो अगर आप 50 सेकंड तक बनाते हैं वीडियो को, सर मोबाइल दीजिए अपना सौरभ बता दें, अगर जैसे आप लोग 50 सेकंड का वीडियो बनाते हैं तो इस तरह इस मोड में कैमरा करिएगा, लेकिन अगर आप बड़ा वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल इस तरह से करिएगा, लैंडस्केप होता है पोर्ट्रेट मोड होता है, 16:9 और 9:16। तो याद रखिए अगर 50 सेकंड तक वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा मोबाइल आपका इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे कम, जैसे अगर आप मान लीजिए कितना सेकंड बना रहे हैं, मान लीजिए आप 2 मिनट का 2.5 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, आप नोट्स के बारे में पूरा बता रहे हैं, तो आप इस तरह शूट करिएगा ताकि वो यूट्यूब पर पढ़ सके, बाकी आपका शॉर्ट्स पर पड़ जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये सौरभ जी का फोन है तो सौरभ जी अपना फोन पकड़िए, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। और इन्हीं का चैनल है इलनी भी दुर्गेश, हम भी गेस्ट पे पढ़ाते हैं और आपकी वीडियो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोग जितने लोगों ने इलनी भी दुर्गेश के नोट्स प्राप्त किए हैं वो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इलनी भी दुर्गेश और बेहतर कर सके और हम लोग भी देखें यार हम लोगों में कोई कमी तो नहीं रह गई। सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, इस नूतन वर्ष पर, इस नए साल पर आने वाला, मतलब अब मैं काफ़ी लेट से आपको बधाई दे रहा हूँ, आज कई तारीख आ चुकी है जनवरी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कोशिश करिएगा कि इस पिछले साल में हमने कुछ अपने खोए हैं, कुछ अपने जॉब खोए हैं, कुछ ने बहुत कुछ खोया है, अब 2022 रोने के लिए नहीं है बल्कि कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए। एक अपनी मंजिल बनाइए, एक उस मंजिल के लिए अपने पूरे कारवां को लगा दीजिए, खुद भी लगिए तब तक, क्योंकि इस दिसंबर में आपको अपने मंजिल को पाना है, अपने मेहनत के त्रिज्या को इतना बढ़ाइए कि दिसंबर आते आते आपकी सफलता का क्षेत्रफल शीर्ष ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिएगा। और आप सभी के लिए संदेश था जिन्होंने इलनी भी दुर्गेश के नोट्स प्राप्त किए हैं, अपना फीडबैक जरूर भेजेंगे और कोशिश करिए खुद भी आ जाएगा, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ यार आप लोगों की तरफ से वीडियो आ रहा है। खुद भी आ सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहे फेस दिखाना नहीं फेस दिखाना चाहते, अपने जिले का नाम जरूर बोलिएगा, कम से कम आपके जिले का नाम इस चैनल के माध्यम से तो लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत,
रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से है, सिलेक्शन से रहेगी, और एक दिन आप कामयाब होंगे। जय हिंद। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।